आज हमने भुना हुआ पोहे का चटपटा चिवड़ा बनाया है, जिसे हम छोटी सी भूख में ले सकते हैं या लंबी सफर के लिए भी ले जा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं भुना हुआ पोहे का चटपटा चिवड़ा। चिवड़ा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पतला पोहा लिया है, इस तरह का एकदम पतला पोहा आता है वही हमें लेना है। मैं आपको एकदम नजदीक से बता रही हूँ, आप देख सकते हैं पोहा एकदम पेपर के जैसा एकदम पतला दिख रहा है। भुना हुआ चिवड़ा बनाने के लिए हमें इस तरह का एकदम पतला पोहा ही लेना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई नहीं करना है, इसके लिए ऐसा पोहा हमें चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के पोहा को क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसे भुनना है। पोहा को इस तरह से एकदम हल्के हाथ से चला के हम भुनेंगे, नहीं तर पोहा जो है वो टूट जाएगा। जैसे जैसे पोहा भुनता जाएगा वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं ये फूल के थोड़ा ज्यादा हो गया है। पोहा को हमने लगातार चला के लो टू मीडियम फ्लेम पे 12 से 13 मिनट तक इसे भून लिया है और ये क्रिस्पी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हाथ में लेके करेंगे तो ये चूरा होना चाहिए, आप देख सकते हैं। पोहा भुनने में हमें जरा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। अगर तेज आंच पे हम पोहा भुनेंगे तो नीचे से लग जाएगा और पोहा जल सकता है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे गैस पे से नीचे उतार के 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से पोहा एकदम लाल हो जाएगा। इसे हम अभी गैस पे से नीचे उतार के इसे 2 मिनट के लिए चला के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। पोहा को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसे छन्नी से छान लिया है, क्योंकि हम पोहा भूनते हैं तो नीचे थोड़ा थोड़ा पोहा का पाउडर हो जाता है और वो जल जाता है इस तरह का, इसके लिए मैंने ये छान के निकाल लिया है। इस पोहा के पाउडर को हम ब्रेड क्रम्स की तरह यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम ड्राई ब्रेड क्रम यूज करते हैं उसी तरह से इसका भी यूज होता है, तो आप इसे फेंके मत। 1 कप मूंगफली ली है, ये 150 ग्राम मूंगफली है, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फूटने की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं, लगातार चला के इसे फ्राई करना है। लाइट ब्राउन हो जाए और मूंगफली क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करनी है। मूंगफली को भी तेज आंच पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी अंदर से भी एकदम, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। लाइट ब्राउन हो गई है, इसका पूरा तेल इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इस तरह से करेंगे तो मूंगफली में से सारा तेल निकल जाएगा। ये पोहा हमने भुना है, इसके अंदर हम डाल देते हैं। 1 कप रोस्टेड चना दाल ली है, जो भुना चना आता है उसी की ये चना दाल है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये चना दाल पहले से ही भुनी हुई है, लेकिन हम इसे तेल में डाल के एकदम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। 1 कप याने चना दाल भी हमने 150 ग्राम ही ली है। एकदम धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है और ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस जरा सा ही इसे फ्राई करके निकाल लेना है। इसके अंदर से भी इस तरह से सारा तेल निकाल लेंगे। चना दाल को भी हम पोहा के अंदर ही डाल देंगे इसी टॉप में। 1 कप सूखा नारियल की स्लाइस करके ली है, ये 100 ग्राम नारियल की हमने स्लाइस की है। इसे भी हम तेल में डाल के एकदम धीमी आंच पे एकदम लाइट कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। नारियल सूखा है इसके लिए बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती है, बस इस तरह से ये इतना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही इसे फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो नारियल जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसका भी सारा तेल इस तरह से निकाल लेंगे, नारियल की स्लाइस भी इसी टॉप में डाल देंगे। कढ़ाई में हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल लिया है, जो हमने ये सब फ्राई किया वही तेल हमने लिया है। 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, धीमी आंच पे जीरा को थोड़ा सा ही भूनना है। 3 हरी मिर्ची को चॉप करके ली है, ये डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 20 से 25 करी पत्ता लिया है,
हरी मिर्च और करी पत्ता एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, इसे भी साथ में डाल देंगे। धीमी आंच पे ही हमें इसे भुनना है। आप देख सकते हैं करी पत्ता क्रिस्पी हो गया है, इतना ही क्रिस्पी हो जाना चाहिए, नहीं तो चिवड़ा में मॉइस्चर लग जाएगा अगर क्रिस्पी नहीं होगा तो। 3 टेबलस्पून खसखस पॉपी सीड्स, 3 टेबलस्पून तिल। गैस ऑफ कर देंगे, कढ़ाई गर्म है तो इसमें साथ में तिल और खसखस भुन जाएगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं आप। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। इस बघार को हम चिवड़ा के अंदर डाल देंगे। इस तरह से स्पैचुला से सारा बघार हम ले लेंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए गैस चालू कर देंगे, धीमी आंच पे इसे चला के मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रख के हमने इसे 3 से 4 मिनट एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी गैस ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं सारा मसाला जो है वो पोहा के ऊपर लग गया है। 2 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है, ये डाल देंगे इस तरह से। 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ पोहे का चिवड़ा रेडी है। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देना है। इसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के हम 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। इसे मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसके लिए इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। चिवड़ा को आप टेस्ट करके देख ले, नमक वगैरह कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। भुना हुआ पोहे का चटपटा चिवड़ा रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।